मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड, 20 से भी ज़्यादा ऐसे हार्डी और ढीठ प्लांट जिनकी कटिंग इस समय भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है और जो आपके इंडोर गार्डन में बहुत अच्छे से चल जाते हैं और आपके गार्डन में चार चांद लगा देते हैं। तो बने रहेगा वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा, आपका स्वागत है आशा की गार्डनिंग में, मेरी खुशियों की बगिया में। मेरी खुशियों की बगिया में फ्रेंड, आज का जो मेरा पहला प्लांट है वो है ये जियो का प्लांट और ये बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत अच्छे से ये आपके इंडोर गार्डन में चल जाता है और सबसे बड़ी बात है इसकी छोटी सी कटिंग भी आप ऐसे अगर फेंक देते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। और सबसे बड़ी बात इस प्लांट की ये होती है कि जिस प्लांटर में लगा होता है उसी का शेप ले लेता है। तो इस तरीके से ज़रूर ऐड करें इस प्लांट को अपने गार्डन में। और नेक्स्ट जो है वो है ये स्पाइडर प्लांट, और स्पाइडर प्लांट भी बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। बहुत लो मेंटेनेंस इसकी चाहिए होती है। और इस पर देखिए, ये जो है ये इस तरीके से रनर से भी ग्रो हो जाता है और या तो इसको नीचे से डिवाइड करके भी हम ग्रो कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड जिसका मुझे नाम नहीं पता, अगर आपको उसका नाम पता चल रहा हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। तो ये इसकी कटिंग भी बहुत इजीली जो है इस टाइम पर ग्रो हो जाती है। और ये कोलियस, और कोलियस की सभी वेराइटी जो है फ्रेंड बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है इस टाइम और आपके इंडोर गार्डन में चार चांद लगा देती हैं। तो ज़रूर से ऐड करें कोलियस को भी अपने गार्डन में इस टाइम। मेरे पास ये दो वेराइटी है, दोनों मैंने कटिंग से ग्रो करी है और बहुत खूबसूरती ये प्रदान करती है मेरे गार्डन को। अगला और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड ये पोल्का डॉट, और ये पोल्का डॉट भी जो है बहुत खूबसूरत प्लांट है और ये भी कटिंग से इस टाइम ग्रो हो जाता है। और विंटर में इस समय इसकी लीव्स थोड़ा डार्क हो गई है, विंटर में बहुत ही लाइट हल्की ग्रीन और रेड इसकी लीव्स रहती हैं तो और खूबसूरत ही लगती हैं। अगला जो है ये बहुत ही सुंदर प्लांट ये स्वीट पोटैटो वाइन, और ये भी इजीली जो है कटिंग से ग्रो हो जाती है और इसको भी जो है आप एक कटिंग से ढेरों बना सकते हैं। और मैंने भी जो अपने गार्डन में कटिंग से ही ऐड करी है। और अगला जो ये पर्पल हार्ट, और ये पर्पल हार्ट भी जो है बहुत इजीली ग्रो हो जाता है इस टाइम आपके गार्डन में कटिंग से और ये आपके इंडोर गार्डन को बहुत खूबसूरत बना देता है। तो इसको भी ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। और नेक्स्ट जो है सिंगोनियम, और सिंगोनियम भी जो है बहुत अच्छे से चल पड़ता है इस समय आपके गार्डन में और बहुत खूबसूरत ये लगता है, कई कलर्स में मिलता है फ्रेंड। और ज़रूर आप ऐड करें इसको अपने गार्डन में। नेक्स्ट जो है ये बेबी टीयर्स, और ये बेबी टीयर्स भी जो है इस टाइम बहुत अच्छे से कटिंग से चल पड़ते हैं और बहुत खूबसूरती से जो है इंडोर में भी जो है डेवलप हो जाते हैं। तो इनको भी आप ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। और ये जो है ये सकुलेंट्स भी जो है ये सीडम का है, ये भी बहुत अच्छे से चल पड़ता है। नेक्स्ट जो है ट्रायंगल हार्ट, और ट्रायंगल हार्ट को भी आप इस समय कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में और बहुत ही बढ़िया जो है इसकी ग्रोथ चलती है इस टाइम। और नेक्स्ट जो है ये टर्टल वाइन, और ये टर्टल वाइन की जो है फ्रेंड ये मैंने पुरानी इसकी जो कटिंग्स थी इनको हटा देना होता है इसकी ग्रोथ को, ताकि ये नई कटिंग्स जो है अच्छे से डेवलप हो पाए। और इस समय आप इसको बहुत अच्छे से जो है कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये भी जो है आपके इंडोर गार्डन को चार चांद लगा देगा, बहुत खूबसूरत ये लगता है। और इसको मैंने जगह दी है छोटे से बॉटल हैंगर में और बहुत खूबसूरत ये लगता है। ये मैंने इसकी कुछ पुरानी कटिंग्स हटा दी। तो इस तरीके से फ्रेंड इन सारे प्लांट्स को अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो आपके गार्डन में चार चांद लग जाते हैं। अगला जो है स्नेक प्लांट, और ये स्नेक प्लांट जो है बहुत ही अच्छा प्लांट होता है इंडोर के लिए और इससे जो है आप अपने गार्डन को बहुत खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं। अगला जो है फ्रेंड ये बेबी सनरोज, और ये बेबी सनरोज भी जो है बहुत अच्छा हार्डी प्लांट है। इस समय आप इसको भी अपने गार्डन में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और ये जो है आपके ये भी आपके इंडोर गार्डन को बहुत खूबसूरती प्रदान करता है। और अगला जो है ये मनी प्लांट, और मनी प्लांट की सारी वेराइटीज़ जितनी भी वेराइटीज़ होती है फ्रेंड इनको भी आप अपने गार्डन में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये इंडोर आउटडोर सब जगह चल जाते हैं और बहुत सारी वेराइटी होती है मनी प्लांट की, तो इनको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर स्पेस दें। और ये जो है फ्रेंड इस प्लांट का मैं नाम भूल रही हूँ, अगर आपको इसका नाम भी पता है तो आप ज़रूर बताइएगा। और ये भी जो है आपके गार्डन में आपके इंडोर गार्डन में बहुत खूबसूरती से ग्रो करता है,
तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर स्पेस दें। और नेक्स्ट जो है फ्रेंड वो है मेरा ये ड्रेसिना, और ये ड्रेसिना भी बहुत अच्छे से आपके इंडोर गार्डन में चल जाता है, बहुत कम इसको वाटर चाहिए होता है। अभी अभी मैंने ये कटिंग ग्रो करी है फ्रेंड, और ये देखिए मैंने कुल्हड़ में कटिंग ग्रो करी है और बहुत अच्छे से ये मेरी चल रही है। और नेक्स्ट है ये डिफेनवेशिया, और डिफेनवेशिया भी जो है ये इंडोर प्लांट बहुत अच्छे से, इसकी देखिए कितनी खूबसूरती इसकी लीफ में होती है, और ये भी बहुत अच्छे से आपके इंडोर गार्डन में चल जाता है। ये देखिए ये मेरे सैकुलेंट, ये जो है सीडम फैमिली से जो है ये मेरे सैकुलेंट्स हैं, और देखिए कितने अच्छे से मैंने जो एक बॉटल में इसको स्पेस दिया है। और ये मेरा स्नेक प्लांट, इसमें दो वैरायटी है, और ये भी मैंने एक सिंगल लीव्स इनके डाली थी, और देखिए कितने अच्छे से जो है इनके रूट्स इसमें डेवलप हो गई है और बहुत अच्छे से जो है ये चल रहे हैं इस टाइम पर। तो स्नेक प्लांट की भी कई सारी वेराइटियाँ होती है फ्रेंड। और नेक्स्ट है ये बोट लिली, और ये बोट लिली भी जो है बहुत ही हार्डी प्लांट है, और इसकी भी कटिंग इस समय ईजिली ग्रो हो जाती है, और ये भी आपके इंडोर गार्डन को बहुत खूबसूरती प्रदान करता है। तो ज़रूर से ऐड करें इसको अपने इंडोर गार्डन में, अगर आपके पास बालकनी या ओपन स्पेस नहीं है तो भी आप इन सारे प्लांट्स को बहुत अच्छे से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड, और अपने गार्डन को चार चांद लगा सकते हैं, या अपने घर के किसी कोने में आप इनको ग्रो कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आप इनकी सुंदरता से जो है खूबसूरती निखर आएगी आपके घर के कोने की। और नेक्स्ट है ये वंडरिंग जू, और ये वंडरिंग जू भी बहुत अच्छा प्लांट होता है फ्रेंड, ये भी जो इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है इस टाइम पर भी। और ये भी जो है ये तो मैंने आउटडोर रखा है, तो इसकी लीव्स जो है रेड हो गई है, और ये मेरे पास दो वैरायटी है। अगर आप इसको इंडोर रखते हैं तो इसकी लीव्स जो है ग्रीन ज़्यादा होती है और पर्पल कम होती है, तो ये और खूबसूरत लगता है इंडोर में, और ये आउटडोर में, तो आउटडोर में ये रेडेस और पर्पलेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड, होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो बहुत अच्छे लगे तो आगे तक भी ज़रूर शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।